आज हम बनाने वाले हैं समर स्पेशल हेल्दी टेस्टी और एकदम मसालेदार ये कटहल की सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी और कटहल की सब्ज़ी को आज हम दही के साथ बनाने वाले हैं। और अगर आपने समर्स में ये कटहल की सब्ज़ी नहीं खाई तो क्या खाया, तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम 3 से 4 ग्लास पानी डालेंगे, उसमें 2 चम्मच नमक डालेंगे और कटहल डाल देंगे। कटहल को मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया था और इसे 3 से 4 पानी से अच्छे से धो लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ढककर 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेंगे। अब 5 से 6 मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा कटहल अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसे छन्नी की मदद से छान लेंगे, इसका सारा पानी निकाल देंगे और कटहल को फ्राई कर लेंगे। तो जिस कढ़ाई में हमने कटहल बॉईल किया था उसी कढ़ाई में मैंने 5 से 6 चम्मच तेल गरम किया है और उसमें कटहल डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। कटहल को हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हो कटहल हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से सारे कटहल को फ्राई कर लेंगे। अब उसी कढ़ाई में बचे हुए तेल में हम कुछ अच्छे गरम मसाले डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 4 तेज़पत्ता, 4 सूखी लाल मिर्ची, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 3 से 4 काली मिरी, लौंग और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया है, उसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब उसमें हम 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे और इन्हें भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो अब हमारा प्याज अदरक लहसुन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, हम इसमें 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टोमेटो डाल देंगे और कुछ मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 चम्मच तीखी लाल मिर्ची का पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी मिर्ची पाउडर, स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच हम गरम मसाला डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इन सभी मसालों को हम ढककर 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। अब 3 से 4 मिनट बाद हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम 4 चम्मच दही डालेंगे। मैंने 4 छोटी चम्मच दही लिया है, अगर आप बड़े चम्मच लो तो 2 ही चम्मच दही लेना। बस अब इन सबको मिक्स करेंगे और हमारा फ्राई किया हुआ कटहल डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। कटहल को फ्राई करने से उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो आप इस पार्ट को स्किप मत करना। तो हमारा कटहल अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें 1 ग्लास गुनगुना पानी डालेंगे और ढककर इसे 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा पानी डालना। अब 5 मिनट बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ, आप देख सकते हो कितने अच्छे से एक तर्री आ गई है हमारे सब्ज़ी पे। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कटहल को भी हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं कटहल को चेक कर रही हूँ, तो हमारा कटहल तो अच्छे से पक चुका है। तो हमारी मसालेदार कटहल की सब्ज़ी तैयार है, अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। दही की वजह से ये कटहल की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपने इस तरीके से कभी नहीं बनाई है तो एक बार ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।